भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा, नेकी और बदी का बंदे यही फैसला होगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए, मैं अगर लाइव आ गया हूं तो आज की कहानी शुरू करेंगे, अंत भला तो सब भला। जी हाँ, गुड मॉर्निंग राहुल यादव जी, गुड मॉर्निंग राजेश भाई, गुड मॉर्निंग। ग्रेट ग्रेट, बहुत शानदार, जबरदस्त। जी हाँ मेरे दोस्तों, आई होप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। राजेश जी प्लीज रिप्लाई करिए। यस सर, थैंक यू राजेश जी। अजय शाह जी, वाह, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचपी वशिष्ठ। माही माही गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राहुल यादव जी वॉइस क्लियर है। अर्शद गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जिन लोगों को भी मैसेज करने हैं वो फटाफट मैसेज कर लीजिए, मैं उनका नाम ले दूंगा। रमन सिसोदिया जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रमन सिसोदिया जी गुड मॉर्निंग। जी मेरे दोस्तों, आई होप आज की कहानी शुरू करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचपी वशिष्ठ, प्रॉफिट गुरु, ओके लाइफ यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और सभी सोशल मीडिया पेज की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे दोस्तों। बीइंग माई सेल्फ, संजीव कुमार जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। राधे श्याम जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। वाओ ग्रेट, बहुत बहुत मॉर्निंग आप लोगों की मेरे प्यारों। शेयर जरूर कर देना। लीजिए मयूरा का आशीर्वाद, इधर आज तो कागदेव का भी आशीर्वाद आपको मिल रहा है। कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह जब प्रकृति आपसे प्यार करती है। यस राजपूत गुड मॉर्निंग, विश्वजीत मंडल जी गुड मॉर्निंग। तो कितना अच्छा मौसम रहता है, मैं सुबह सुबह आपके साथ ये शेयर करता हूँ ताकि आपके दिमाग में भी आनंद के फव्वारे जरूर से जरूर फैल जाए। तो मेरे दोस्तों, बीइंग माई सेल्फ, अपनी मौज में, ये सीरीज हम लोगों ने चला रखी है, 23वां एपिसोड है। जिन लोगों को आज 23rd एपिसोड देखने का मौका मिल रहा है लगातार, उनकी ये आदत बन चुकी है, वो आने वाले समय में बहुत बड़े बनने वाले हैं। क्योंकि वो एक पॉजिटिव चीज़ को कहते हैं, 21 दिनों तक जब कोई करता है तो उसकी आदत बन में शुमार हो जाता है और आगे फिर वो आगे कामयाब होता है। तो बीइंग माई सेल्फ, अपनी मौज में, ये एक सीरीज है जिसमें हम अपने मेंटल लेवल को, हमारे दिमाग में जो सॉफ्टवेयर डल जाते हैं बचपन से लेकर के अब तक, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं। कहते हैं अगर आपके बाल्टी में गंदा पानी है उसमें ताज़ा पानी डालते रहो तो अपने आप वो साफ हो जाएगा। तो हमने जो भी चीज़ें सीखी हैं हमारे ब्रेन में हैं, और हम अच्छी चीज़ें सीखेंगे तो धीरे 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 हमारी शांति आनंद हमारे जीवन में आने लगेगा। तो आज की कहानी, हंत भला तो सब भला। एक गांव में दो दुकान थी, दो दुकानों में दोनों कच्चे आम की दुकान थी। अब एक दुकान पर एक बुजुर्गवान थे, वो आम बेचा करते थे, एक पे एक जवान लड़का था जो आम बेचा करता था। तो हुआ क्या कि थोड़े दिन बाद उस बुजुर्ग की तबीयत खराब हो जाती है और उसके जो दो दो जवान बच्चे थे वो उस दुकान पे आ जाते हैं। अब दो जो जवान बच्चे थे, सभी जानते हैं कि एक अकेला आदमी एक लिमिटेड काम कर सकता है और जो दो आदमी हैं और वो ज़्यादा काम करेंगे, उनके पास काम करने की क्षमता ज़्यादा होगी। तो उनका जो बिजनेस पहले उनके बुजुर्ग माता पिता की वजह से थोड़ा कम चल रहा था, इनकी वजह से ज़्यादा चलने लगता है क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ी से काम कर पा रहे हैं, डबल काम कर पा रहे हैं। राइट, वो अकेला काम कर रहा था, इस वजह से उसकी दुकान पे ग्राहक कम हो जाते हैं। और वहाँ एक खुशी की बात ये थी कि जो वो दो भाई थे राम और श्याम, मैं हमेशा इनका ही एग्जाम्पल लेता हूँ। तो राम और श्याम जो थे, वो दोनों भाई थे। तो राम जो था वो बड़ा सहज स्वभाव का व्यक्ति था, मीठा बोलता था, किसी से भी गुस्सा नहीं करता था। लेकिन जो श्याम था वो थोड़ा तेज था, है ना, और वो बचपन से ही उसको थोड़ी सी परेशानी होने पर वो एग्रेसिव हो जाता था। ध्यान से सुनिएगा आज की कहानी, जो मेरी टीम है उन लोगों के लिए भी है, और जो डायरेक्ट सेलिंग में है उन लोगों के लिए भी है, और जो बाहर हम समाज में रहते हैं उन लोगों के लिए भी है। तो जो दूसरी दुकान थी उसका बंदा सोचता है कि यार ये इतनी तेजी से काम करते चले जा रहे हैं, इतने सफल हैं, क्या किया जाए। वो दिमाग लगाता है कि सबसे पहले तो इन दोनों के अंदर पाड़ तिवाड़ा, हमारे लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है कि इनके बीच में पाड़ तिवाड़ा कराना पड़ेगा, डिवाइड एंड रूल करना पड़ेगा, बट बांट देने की नीति चलानी पड़ेगी। तो
तो धीरे धीरे वो उनसे दोस्ती करता रहे। तुम लोग कैसे? बोले यार हमारे पिताजी बीमार रहते हैं, अब हमें ही चलाने। बोला बहुत बढ़िया यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई हो। और वो उनके ऐसे मीठा दोस्त बन जाता है और उनके साथ रहने लगता है और मौका ताकता है कि कब ये दोनों एक साथ काम करके अलग अलग होंगे। तो उनके घर में आम रखे रहते थे, उनका बागीचा था, तो जितना आम वो लेकर के आ सकते थे आते थे, उसके बाद में खत्म हो जाता था। तो शाम जो उसका छोटा भाई था उसको बड़ा भाई राम जो आम मंगाने के लिए भेज देता था। तो जब उसने कहा शाम जरा जाके आम ले आओ, तो वो जब आम लेने जाने लगा तो वो उसका दोस्त वो भी उसके साथ चल देता है। और रास्ते में कहता है कि यार शाम एक बात बता यार, तू सारे दिन वहां आम भी काटता है और उसके अलावा तू आम लेने के लिए भी जा रहा है, सारा काम मेहनत तो तू ही करता है, उसने क्या करना है? नमक डाल करके पैसे लेने हैं, वो तो ऐसो आराम की जिंदगी गुजार रहा है, तेरे को मजदूर बनाया हुआ है। छोटा भाई था और साथ में थोड़ा सा शक्की मिजाज भी था, गुसैल भी था, तो इस वजह से वो उसकी बात को यकीन कर लेता है और वो दिमाग में घर कर जाती है कि सही कह रहे, मेरे भाई मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। वो आम ले आता है अगले दिन, फिर दोबारा शाम खत्म होते हैं तो वो कहता है शाम भाई जरा आम ले आओ। तो जैसे ही वो कहता तुम भी तो ला सकते हो भाई, हम दोनों बराबरी के पार्टनर हैं, कभी मैं लाया कभी तुम लाया, तुम देखते हो सारा का सारा दिन तुम काम करते हो, खड़े रहते हो बस ही बुरुक के दे देते हो, और मैं कभी मेरे से कटवा रहे हो, देखो मेरे हाथ देखो, ये देखो वो देखो। तो उसने कहा मेरे भाई बिजनेस करने में हर एक आदमी की योग्यता होती है, तुम्हारे अंदर जोश है, तुम अग्रेसिव रहते हो, तुम्हारे अंदर कटाई जितनी स्पीड से तुम कर सकते हो, जितनी स्पीड से तुम वजन को उठा सकते हो, तुम गर्म स्वभाव के हो, इसलिए मेरे भाई मैं तुमसे वो काम करवा रहा हूँ जो तुम कर सकते हो, और मैं वो कर रहा हूँ, मैं मीठे स्वभाव का हूँ, ग्राहकों से प्यार से बात करूंगा, ग्राहकों को हंस बोल करके रखूंगा, तो हमारी दुकान बढ़िया चलेगी, हम दोनों का फायदा है मेरे भाई। नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, कल से मैं तो अपनी अलग दुकान करूंगा, मुझे बेवकूफ समझते हो। अब वो वहाँ दो दुकान की जगह वहाँ तीन दुकान खुल जाती हैं, तीन दुकान खुलने लग जाती हैं, क्योंकि राम का स्वभाव बहुत अच्छा था इसलिए राम की दुकान आज भी बढ़िया चल रही है। शाम की दुकान पे कोई जाता नहीं है, क्योंकि जिसके पास भी वो गया, ग्राहक गया, या तो वो उससे झगड़ा कर लेता था या कोई ना कोई, क्योंकि पहले ही उसके दिल में तो गुस्सा भरा हुआ था और साथ में वो अभी अभी अलग हुआ था, तो गुस्से के कारण कभी उसको धमका देता था, कभी नमक ज़्यादा डाल देता था, इस तरीके से उसकी दुकान नहीं चल रही थी। इधर वो जो तीसरा व्यक्ति था उसकी दुकान इसलिए ठप पड़ी थी क्योंकि वो वही सेटिंग देख रहा था कि अब ये दो तो हो गए हैं, अब इनकी दुकान को बिल्कुल ही ठप कराना है। वो उस दिमाग में उस कारातून में लगा रहता था और इस वजह से उनका भी झगड़ा कराना था अभी। और तो वो शाम के पास जाता है, शाम से कहता है यार बड़े दुख की बात है, तेरा तो काम ही नहीं चल रहा यार। बोला हाँ यार पता नहीं। बोला तेरे भाई के कारण नहीं चल रहा, तेरे भाई ऑलरेडी वहाँ उनसे रिलेशन बनाए बैठा था, उनसे ऑलरेडी अच्छे स्वभाव के कारण सब उसी की दुकान पे जाते हैं, अगर तेरे भाई की दुकान नहीं होगी ना तो तेरी दुकान चलेगी। और ये कह करके वो कह रहा चलो मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, और वो उसकी दुकान से गायब हो जाता है। और शाम सोचने लगता है बात तो ये ठीक कह रहा है, अगर मेरे भाई की दुकान नहीं होगी तो मेरी दुकान फिर बढ़िया चल जाएगी। और वो जो है उसको मारने के बारे में सोचने लग जाता है शाम। शाम कहता है मैं अब अपने भाई को मारूंगा और उसी की दुकान पे जाने की कोशिश करता अपने भाई की पे कि चलो मैं आज देखता हूँ, जैसे ही अकेला होगा उसको जान से मार दूंगा। वो उस दुकान पे जा रहा होता है तो वहां उसका जो तीसरा मित्र है वो राम से कह रहा होता है कि यार शाम ने तो तेरे साथ बहुत बुरा किया, शाम ने तो तेरे साथ बहुत बुरा किया, तू उसको कमा के देता था खिलाता था और आज वो देखो अपनी कंपटीशन में आ गया है। तो राम कहता है नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एक आदमी का अपना जीवन होता है, हर एक आदमी का समय होता है, परमेश्वर सबको सद्बुद्धि देते हैं और वो समझ जाता है कि इसी ने मेरे जैसे ये मेरे को भड़का रहा है मेरे दो भाई के बारे में, ऐसे ही मेरे भाई को भी ज़रूर भड़काया होगा और मेरे भाई इसी कारण से वो अलग हो गया है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? कई दफ़ा हम अपनों से झगड़ा करने लग जाते हैं किसी तीसरे व्यक्ति के सुनाई में, लेकिन खुशी की बात यह होती है कि वो शाम जो है वो पीछे पीछे उसे मारने के अपने भाई को मारने के लिए आया होता है, और जब वो उसे पता चलता है उसके भाई की दुकान नहीं चल रही है वो बताता है, तो वो उसको भी कहता कोई बात नहीं आज से मैं जरा कह दूंगा कि मेरे आम खत्म हो गए हैं और हमारे तो एक ही बागान के आम है, तो मेरे भाई की भी दुकान है वहां से ले लेना। जब शाम इस बात को सुनता है उसे बड़ा पछतावा होता है,
और उस पछतावे के कारण वो वापिस से अपने भाई से माफी मांगता है, दोनों भाई एक हो जाते हैं और वो जो तीसरा दुकानदार था उसकी चाल समाप्त हो जाती है। यहाँ पे बहुत सारे आपको मोरल ऑफ द स्टोरी मिलेंगे। पहली बात, किसी के भड़काने पे जरा ये सोचें कि जो आपको भड़का रहा है उसमें उसका क्या फायदा है और आपका क्या नुकसान है, आपका क्या फायदा है और क्या नुकसान है, आपका भला कौन कर रहा है और आपका बुरा क्या कर रहा है। थोड़ा संयम रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, संयम रखना जरूरी होता है। और जिस प्रकार से राम के भाई के अलग हो जाने पर भी राम ने अपने भाई से प्रेम नहीं छोड़ा, अपना स्वभाव नहीं छोड़ा और भला करने की वजह से परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया और उसका भाई वापस दोबारा आया। कई दफ़ा हम जब टीम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, टीम चला रहे होते हैं तो आप या परिवार चला रहे होते हैं तो कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि कहीं सुनी बात के कारण हमारा झगड़ा हो जाता है। हमें पता होता है कि हम सही हैं, सामने वाला हमारा रिश्तेदार या हमारा भाई या हमारा पार्टनर गलत है, लेकिन हम संयम रखते हैं और हम प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना, देखो दो ही चीज़ होती है, या तो आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हो या आप उसे बढ़ाने की तरफ बढ़ते हो, ये डिपेंड करता है। आप जो है समस्या को बढ़ाना चाहते हो कि समस्या को ख़त्म करना चाहते हो। जो समस्या को ख़त्म करना चाहता था वो राम, उसने समस्या के ख़त्म होने पे ध्यान दिया। उसे पता था कि अगर उसके भाई की दुकान चलेगी तो वो ये कितना भी भड़काएगा वो मुझे मारने के या किसी मेरा नुकसान करने के बारे में नहीं सोचेगा। तो इसी तरीके से जब आप टीम चलाते हो या परिवार चलाते हो, आपके साथ झगड़ा हो जाता है, तो याद रखना आदमी इम्पोर्टेंट है, मुद्दा इम्पोर्टेंट नहीं है। और जब आप अच्छे सोच रखते हो तो अंत भला तो सब भला, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। मेरे मित्रों, हमारे कंपनी में भी दो किस्से ऐसे हुए, आपने देखे होंगे जरूर से जरूर। हमारी जिस कंपनी में हम काम करते हैं वहाँ पे दो व्यक्तियों ने वीडियो बनाया कि भाई हम जो है नाराज हैं और हम खुश नहीं हैं इस कंपनी में और हम जा रहे हैं छोड़ करके ऐसे। पर बाद में जब उन्होंने दोबारा से वीडियो बनाया, उनके सीनियर समझदार थे, उन सीनियर ने उनसे मुलाकात करके उन्हें समझाने की कोशिश करी, बताया कि देख भाई तेरे साथ तेरे कान भर दिए गए हैं, तू कंपनी देख, प्रोडक्ट देख, प्राइस देख, सब कुछ देख। उनको डिटेल में समझाया गया तो वो शाम की तरह अग्रेसिव हो गए थे, वो शाम की तरह किसी ने उनके कान भर दिए थे और कान भरने की वजह से वो जो है गलती कर रहे थे और वो वापस आए। ऐसे बहुत बार होगा, हमेशा होगा, घर में भी होगा, बिजनेस में भी होगा। तो ध्यान रखना, आप अच्छे लीडर बनना चाहते हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप अपने कैलकुलेशन जो भी कर रहे हो उसमें थोड़ा संयम रखें और किसी भी मुद्दे को बढ़ाने की बजाय उसे ख़त्म करने के बारे सोचें और किसी अच्छे आदमी से सलाह ले कोई भी डिसीजन लेने से पहले। राइट, अब देखो कुछ खास तो हुआ नहीं, चलो वो तो गए नहीं, वापस आ गए, लेकिन उनकी छवि किस तरीके से ख़राब हुई। लोग जिसे लीडर समझते थे, जो बंदे ने वीडियो बनाया कि भाई हम तो जा रहे हैं, अब वो वापस तो आ गया लेकिन क्या उसकी छवि वही रहेगी? क्या वो उसी लेवल का लीडर समझा जाएगा? क्या उसे मूर्ख नहीं समझा जाएगा? इसलिए आदमी को सही समय पे सोच समझ करके फैसले लेने चाहिए। वो तो कहते हैं कि गलती मानने वाला बड़ा होता है, इसलिए शायद आने वाले समय में, क्योंकि उन्होंने गलती मान ली, सुबह का भूला था, शाम को वापस आ गया। लेकिन कई दफा हम गलती करते हैं और उसको स्वीकार भी नहीं करते हैं और फिर गलतियों पर गलती करते चले जाते हैं। तो आप लोगों की आज की जो मैंने ये कहानी सुनाई है, इसमें एक ही बात याद रखना, झगड़ा सबके बीच हो सकता है। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, मेरे और मेरी बीवी के बीच में भी कहा सुनी हो जाती होगी, हमारे परिवार में भी कहा, ऐसा कोई घर नहीं है, दो बर्तन होंगे तो खुड़केंगे तो जरूर, लेकिन जब वो खुड़कते हैं तो आप उसको और ज्यादा तेजी से खुड़काते हो या उसको हाथ रख करके उसे बजने से बंद करने की कोशिश करते हो। ये डिपेंड करेगा कि आपके घर में शांति रहेगी का शांति, ये डिपेंड करेगा कि आपके टीम के अंदर शांति रहेगी का शांति रहेगी। याद रखना, समाधान का हिस्सा हो या समस्या का हिस्सा हो, ये डिसीजन आपको लेना होगा। अगर आप समाधान का हिस्सा हो
तो फिर आप जो कहोगे जैसी हरी इच्छा, कोई बात नहीं, मैंने अपनी तरफ से प्रयास पूरा किया है, आपके ब्रेन में हैप्पीनेस रहेगी, आपके दिल में हैप्पीनेस रहेगी। आप कहोगे जैसी परमेश्वर की इच्छा, मैंने किसी भी तरीके से कोई गलत कार्य नहीं किया और मैं धर्म पे चलने वाला व्यक्ति हूँ, उसके बावजूद भी अगर मेरे सामने कोई चुनौती आती है तो मैं सह स्वीकार करूँगा। शायद परमेश्वर मुझे चेक करना चाहते हैं कि तू ये बोल ही रहा है या ये तो अंतरात्मा से मानता भी है। तो उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी आपको समझ में आई होगी। जीवन में आप एक ही बात याद रखना, जब जब झगड़ा हो तो आपको समाधान की तरफ बढ़ना है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है। आप किसी के भड़काने में भड़क मत जाइए और गलत रास्ते पर मत चलिए। तो आज परमेश्वर ने हमें और सबको ये वीडियो दिखाया, शेयर ज़रूर कर देना। मैं जरा लास्ट में नाम ले देता हूँ, उसके बाद प्रेयर करेंगे। संजीव कुमार विश्वकर्मा जी कह रहे हैं राइट सर। रमन सिसोदिया जी ने शेयर भी किया है, थैंक यू। राजवीर खोसा जी प्लीज़ शेयर कर दीजिए। कृष्ण पाल जी ने भी शेयर किया है, शुक्रिया। माही पुधीर हेलो गुड मॉर्निंग, शेयर कर दीजिए माही। काशीनाथ जी नमस्ते गुरु जी, नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार नमस्कार। सैफ अली जी आप बहुत अच्छे समझाते हैं सर, शुक्रिया मेरे भाई, मेरा बड़ा बड़ा सौभाग्य है। सुमन नाथ जी ओके मॉर्निंग, सैफ जी गुड मॉर्निंग, राजवीर खोसा जी, संजीव कुमार जी, रमन सिसोदिया, अरशद अली जी गुड मॉर्निंग, राहुल यादव जी गुड मॉर्निंग, माहिराज जी गुड मॉर्निंग, अजय शाह जी गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार। यश राजपूत यश सर गुड मॉर्निंग सर, अजय शाह जी वेरी नाइस, माहिराज जी राइट सर, विश्वनाथ जी थैंक यू सर, गोपाल नायक जी वेरी नाइस सर, बहुत बहुत बढ़िया। परमेश्वर की आज प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने अच्छे माता पिता दिए, अच्छे भाई बहन, अच्छे सगे संबंधी, अच्छा मित्र, कारोबार धन धन्य संपूर्ण घर, आज्ञाकारी संतान, स्वस्थ शरीर दिया, अच्छा जीवन साथी दिया। परमेश्वर आपका धन्यवाद। जब आप धन्यवाद देते हो तो आप अच्छा महसूस करते हो, आपको अच्छाई की तरफ ध्यान रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव कुमार जी कह रहे हैं सर आप हंसते हंसते बहुत अच्छे लगते हैं, बड़ा शुक्रिया मेरे भाई। एक ही बात बता दूं, आपका दिल सुंदर है ना। जब आपके दिल में दर्द होता है तो सामने वाला हंसता है तो अपने को दुख महसूस होता है कि ये साला हंस क्यों रहा है समझ रहे हो। लेकिन आपके दिल में पवित्रता है, इसलिए आप जहां फूल देखोगे आपको अच्छा लगेगा, जहां मुस्कुराहट देखोगे आपको अच्छा लगेगा, जहां आप हरियाली देखोगे आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके दिल के अंदर अच्छाई खोजने की पावर है। देखिए मयूरा ने भी आशीर्वाद दिया है, आपका दिन मंगलमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो, आप खूब तरक्की करते रहें। और रात को 8 बजे हम दूजा सुख घर में हो माया पे हम अपना जूम वेबिनार करते हैं। यदि आप करना चाहते हैं हमारे साथ काम तो हमसे संपर्क करिए, हम रात को 8 बजे आपको पैसा कमाने के बारे में भी बताते हैं। और आप ज़्यादा धन कमाएं, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख हो सच्चा साथी, चौथा संतान आज्ञाकारी जीवन आनंद में गुजरेगा। बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज का लाइव एपिसोड यहीं तक। विश यू सक्सेस। जय हिंद जय भारत।